नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं हूं आप लोग का मंगल कुमार साह। आज बहुत खुशी की बात है कि रायपुर के मीडिया ग्राउंड में गोंडवाना महोत्सव का आयोजन किया गया है और मेरे सामने उपस्थित है बहुत ही अच्छी गायिका और बहुत बेहतरीन एडवोकेट मिसेस टीना जी। इन्हें मैं बागमेरा में जब रहते थे तब से जानती थी, लेकिन आ गए आज अचानक मुलाकात हुआ, तो चलो आज इनसे कुछ परिचय और इनके सिंगिंग गायिका के बारे में कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करते हैं। स्वागत है टीना जी, क्या कहना चाहिए आप? मेरा जो ग्रुप है उसका नाम है श्री गेम शांति म्यूजिक एंड इवेंट्स। इसके अलावा मैं एडवोकेट हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ की और रायपुर के काम देखती हूँ। इस ग्रुप में हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो प्रस्तुत देते हैं। हमारा एक अभी बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है 23 अप्रैल को यूनियन हमारी इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा कहते हैं कि सविता कृष्ण मूर्ति जी के वॉइस को से मैच करती है, तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उनके गाने देखा लेकिन वो वीडियो कल मैं कोशिश करती हूँ कि इनके सॉन्ग्स में ज़्यादा अपने इवेंट्स में गाऊँ। और बेसिकली लोग पुराने गाने बहुत पसंद करते हैं और कुछ नए नए कलाकार भी आए हैं जो अरिजीत सिंह जी हैं, उनके गाने गाना पसंद करते हैं। तो हम जैसे कि माहौल देखकर, सिचुएशन देखकर और पब्लिक डिमांड देखकर सॉन्ग्स वहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। आप पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, गायकी के क्षेत्र में आपका रुचि कब से? ऐसा कुछ ऐसा रुचि था नहीं, मैं वैसे डांसिंग में मेरा ज़्यादा रुचि है, मैं कथक डांसर। बट साथ साथ ऐसा होता था कि कई बार जब कोरोना आया तो कोरोना के समय में आपका कितना नाच गया अकेले कर तो उस समय स्टार मेकर था, लोगों से जुड़ने का एक मौका मिला। स्टार मेकर में मेरा एक परिवार है, स्टार मेकर में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मुझे फोन किया कि आसपास मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी सिंगिंग सुनते हैं। जब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मुझे प्रोत्साहित किया गया कि नहीं आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप और प्रयास करके बहुत अच्छा गा सकती हैं, तो जब लोगों को प्रोत्साहन मिलता गया, लोगों को प्यार मिलता गया, तो मैंने सोचा कि मैं इस प्रोफेशन में आगे लाया जाए। तो जब लॉकडाउन उसके बाद मैंने रास्ते दिखते गए और बहुत कुछ कह दिया। तो मेरे सामने उपस्थित हमारे और एक मैडम थी, तो उनसे परिचय कराता हूँ। बचपन से रुचि तो बोल सकते हैं क्योंकि बचपन से गाने सुनते बड़े हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बचपन से रुचि है, पर गाना गाना भी 2 साल से स्टार्ट किया है। और बस जैसे मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैडम से मैंने पूछा कि आपकी फेवरेट गायक गायक और गायिका कौन है, तो वर्मा जी आपकी मेरे फेवरेट सिंगर हैं लता जी, ऑब्वियसली लेजेंड और कोकिला लता जी, आशा भोसले जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं फेवरेट सिंगर हैं। और मेल सिंगर में आप अरिजीत सिंह ले लो और बिल्कुल किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, वो सब तो लेजेंड हैं, उनके नाम आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अभी के जो गाने हैं वो पुराने गानों के मुकाबले नए सॉन्ग आप उतने अच्छा नहीं गा सकते जितने आप पुराने गानों को आप कॉपी करके गा सकते हैं। ऐसा कॉपी राइटर पर बाकी आप उनकी तरह गा नहीं सकते। मेरा फेवरेट सिंगर एक कहावत है, जहाँ चाह वहीं रहा। तो क्या अगर इंडियन आइडल का जो आप इंडियन आइडल है कभी आप सोचे कि काश मैं इंडियन आइडल शर्मा शो नहीं आता 9:30 को, तब तक तीनों मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी टीवी के सामने
के बैठे रहे, हम जरूर देखते थे कि पापा कितना मेरे पति भी इससे जुड़े हुए हैं, सीधन कुमार वर्मा जी वो भी सिंगर गाते हैं, मेरी बेटी भी माइक पकड़ के गाना सीख रही है, कुछ रिलीज है, उसको भी बहुत रुचि है सिंगिंग में, डांसिंग में। तो आप देखिए कितना अच्छा दोनों ने अपना विचार व्यक्त किया, और मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ दोनों का, और आशा करता हूँ बस यूँ ही सेवा कार्य करते जाएं, लोगों का मनोरंजन करते जाएं। और मेरा नाम है मंगल शाह और मैं यूट्यूब चैनल मंगल शाह एंटरटेनमेंट MSN, तो सवारी आप जरूर देखिएगा, और इनका कार्यक्रम होने वाला कितना पब्लिक इसको टिकरा पारा को जो इसके साथ ही हमने वहां पर 1 मिलियन का भी सेल रखा, क्योंकि टिकरा पारा बेसिकली मिडिल एरिया है, तो हमने वहां पर वहां की भाषा जैसे बात करके वहां पर 1 मिलियन का भी जो सेवैया का है, सेवैया का भी हमने बंदोबस्त किया, तो आप सब आइए मीठा मेरा सेवैया का और हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे गाने सुनिए। तो याद रखिएगा 23 अप्रैल और ये मैडम जी गाना गाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज जय जवान जय छत्तीसगढ़।